नमस्कार दोस्तों, जीए जोन आर्ट कैम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आपको बताने वाले हैं बीवेल कार्बिन कैसे क्रिएट की जाती है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था वी बीट कार्बिन कैसे क्रिएट की जाती है, व्हील टूपल कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर भी आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा बेवेल कार्बिन। तो बेवेल कार्बिन एक्चुअली होती क्या है? वी बीट जो कार्बिन थी वो वेक्टर के अंदर में काम करती थी। बेवेल कार्बिन जो है ये वेक्टर के ऊपर काम करने वाली है। तो वी बीट का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे बेवेल क्रिएट करने का वो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई भी वेक्टर ले लेंगे। अगर आपके पास वेक्टर नहीं है तो गूगल से कोई भी फाइल डाउनलोड करके वेक्टर क्रिएट कर लीजिएगा। वेक्टर कैसे क्रिएट करने के मैंने आपको बताया था, तो वेक्टर क्रिएट कर लीजिए पहले। उसके बाद में हम लोग टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और बेवेल कार्बिन टूल पाथ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग वेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल वेक्टर को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे है कार्बिन टूल, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हम लोग 32 mm 90 डिग्री वाला वी बिट सिलेक्ट कर लेंगे। हमने वो बिट भी सिलेक्ट कर लिया। वो बिट की कुछ सेटिंग है तो वो भी चेंज कर देंगे हम लोग। 150 पेइंग रेट, 150 लंग रेट, 100 डाल देंगे। अगर आपकी मशीन ऑटोमेटिक में वर्क करती है तो टूल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑटोमेटिक में नहीं करती है तो टूल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये है सेंटर लाइन, हम लोग सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे। सेंटर लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये मॉडल के सेंटर में एक सेंटर लाइन क्रिएट हो गया। अब ये सेंटर लाइन क्रिएट होने के बाद ये सेंटर लाइन जो यहाँ पे क्रिएट होगी इसकी हाइट आ रही है 31 mm 0.57। उसके बाद में इसकी मैक्सिमम विड्थ जो जा रही है 63.15, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास इतना बड़ा मटेरियल है, 4 cm का अगर मटेरियल आप यूज़ कर सकते तो आपका परफेक्टली बेवेल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप 4 cm का आपके पास मटेरियल नहीं है, 20 mm का मटेरियल है उसके अंदर भी हम लोग बेवेल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उतने हाइट में क्रिएट नहीं होगा। जहाँ तक 20 cm का मटेरियल जाएगा वहाँ तक ही बेवेल क्रिएट होगा, और ऊपर जितनी हाइट नहीं मिलेगी वो उतना जगह पर फ्लैट होगा, नहीं तो उतना एरिया छूट जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने एक बिट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सेकंड टूल हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एंड मिल सिलेक्ट कर लो आप। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 6 mm एंड मिल सेलेक्ट। 6 mm एंड मिल की कुछ सेटिंग है तो वो लोग भी हम लोग कर लेंगे। तो 6 mm एंड मिल की भी हमने सेटिंग कर ली, ठीक है दोस्तों। 6 mm एंड मिल की भी सेटिंग कर ली। उसके बाद में यहाँ पे है मटेरियल थिकनेस। मटेरियल थिकनेस हम लोग 30 डालने वाले हैं, लेकिन ये आ रहा है 31 mm का, 31 mm का बेवेल आ रहा है, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, इसके तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मटेरियल इतना बड़ा नहीं है ऐसा दिखाएंगे उसको। तो नॉर्मली सीट जो होती है 18 mm 25 mm की ऐसी होती है। अगर उसके MDF में हमें बेवेल कार्बिन क्रिएट करना है तो ऐसा नहीं हो सकता, 30 हाइट तो अपने को नहीं मिलेगी, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। ये सेंटर लाइन की जो साइज़ है इसको इग्नोर कर देंगे पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएँ पे वॉल हाइट। वॉल हाइट क्या है दोस्तों? वॉल हाइट उतनी, अगर आप वॉल हाइट डालेंगे तो बॉटम से लेकर उतनी वॉल हाइट क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद में बेवेल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी फिनिशिंग डेप्थ हम लोग ने एग्जांपल फिनिशिंग डेप्थ हमने डाल दी 25, 30 का मटेरियल है, 5 mm हमने नीचे बैलेंस रखा, उसके बाद में 25 फिनिश डेप्थ डाल दी। हम लोग डालेंगे वॉल हाइट डालेंगे 5 mm। अभी 5 mm हमने वॉल हाइट डाली, उसके बाद में फिनिश डेप्थ भी 25 डाल दी। उसकी फिनिश डेप्थ इसके लिए डाली, फिनिश डेप्थ हमारा जो 6 mm का बीट करने वाला है उसके लिए फिनिश डेप्थ है, और जो वॉल हाइट है वो वी बीट के लिए है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के टाइम में ये आपको एक मैसेज दिखाई देगा, देयर इज नॉट ए थ्रॉट हाइट इज द कंप्लेंट टू ऑल बीवेल, द बीवेल विल बी टर्न क्रिएटेड, डू यू विश कंटिन्यू। मीन्स इन्होंने कहा है कि आपकी हाइट उतनी नहीं है जितना बीवेल क्रिएट हो रहा है, मतलब हमारा मटेरियल 30 का है, बीवेल क्रिएट होने वाला है 31 का। तो अगर आप ऐसे में भी अगर करना चाहते हैं उसको कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं,
डू यू विश टू कंटिन्यू, हाँ यस हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम लोग एस बटन पर डाल के उसको अगेन कैलकुलेट करके कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बीवेल क्रिएट हो गया है। बीवेल क्रिएट होने के बाद दोस्तों हम लोग बीवेल क्रिएट होने के बाद उसको सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेशन ये मेरा पहला सिमुलेशन था, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। सिमुलेशन रीसेट कर दिया मैंने, सॉरी सिमुलेशन को रीसेट कर देता हूँ, सिमुलेशन रीसेट कर दिया। उसके बाद में मैं इसको अगेन सिमुलेशन करूँगा और प्ले करूँगा। प्ले बटन अभी ये वीवीट कार्विंग का काम कर रहा है। ये वी बिट का काम फिनिश हो गया, इसके बाद में हम लोग 6mm बिट का जो भी काम है वो 6mm बिट अपना काम फिनिश कर देगा। 6mm बिट यही काम करने वाला है जो हमने वेक्टर क्रिएट हुए थे वो वेक्टर के आउट में जो भी एक्स्ट्रा एरिया है उसको कटिंग कर देगा, वही काम वो करेगा, एंड मिल करेगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों ये तो क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद आपको समझ में नहीं आ गया होगा यार ये क्या बन गया, कुछ पता नहीं, कुछ समझ भी नहीं आ रहेगा, भाई साहब ने तो बताया था ऐसा क्रिएट हो जाएगा लेकिन ये कैसा क्रिएट हो गया ये आपको साफ अभी नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग एक एरिया क्लीनिंग टूल पाथ का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद में हम लोग पूरे वेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे वेक्टर का ऑल वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, टूल पाथ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एरिया क्लीनिंग टूल पाथ में जाएंगे। एरिया क्लीनिंग टूल पाथ मैंने आपको बताई थी कैसे क्रिएट करने की, तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से वो 3 नहीं तो 4 पार्ट का वीडियो होगा आई थिंक सो। तो वहाँ पे जाके आप एरिया क्लीनिंग भी सीख सकते हैं। एरिया क्लीनिंग में हम लोगों ने एरिया क्लीनिंग हम लोग डालेंगे 25, क्यों हमने फिनिश डेप 25 डाली थी इसलिए एरिया क्लीनिंग हम लोग 25 डालेंगे। उसके बाद में हम लोग अलाउंस कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे बिट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने 6mm का बिट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी साइज चेंज कर देंगे 6mm की, उसके बाद में इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे सेटिंग में कुछ नहीं चेंज करेंगे, इसको कैलकुलेट करके एरिया क्लीन कर देगा। एरिया क्लीनिंग क्या होगा दोस्तों, ये वेक्टर के बाहर का एरिया जो है, जो वेक्टर सेलेक्ट किए थे उसके बाहर का एरिया ये क्लीनिंग कर देगा। क्लीनिंग करने के बाद इसको भी हम लोग सिमुलेशन करेंगे, सिमुलेशन पर प्ले करेंगे। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, मतलब जल्दी फास्ट हो जाए, हम लोग को समझ में आ जाएगा बेवेल कार्विन एक्चुअली होती क्या है, बेवेल टूलपाथ होती क्या है, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए दोस्तों ये एरिया क्लीनिंग कर रहा है, जहाँ जहाँ पे भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको ये डिलीट कर दे, मतलब कटिंग कर देगा। साइड का भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको भी कटिंग कर देगा। ये हो रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको बताऊँगा बेवेल कार्विन का जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे, एडिट बटन पर क्लिक करके इसको हम लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे डाली थी फिनिश डेप 25, तो फिनिश डेप यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक 25mm, ठीक है। उसके बाद में वॉल हाइट जो डाली ये बॉटम से लेकर यहाँ तक जो दिख रहे हैं ये बॉटम हाइट, मीन्स हमने वॉल हाइट जो थी ये 5mm, 5mm से ये यहाँ पे इतना एरिया बचा था 15mm, मटेरियल हमारा 30mm का था, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी ये जो था यहाँ से लेकर यहाँ पे 25mm, यहाँ से लेकर 5mm माइनस हो गया, यहाँ से लेकर वॉल हाइट से लेकर और टॉप तक ये हो गया 20 का। अभी इन्होंने हमें बताया था कि कंप्लीट बेवल जो होने वाला था, कंप्लीट बेवल 31 का होने वाला था, 31 इतना मटेरियल हमारे पास ना होने की वजह से ऊपर एरिया फ्लैट हो गया। अगर हमारा मटेरियल अगर फुल मटेरियल होता हमारे पास तो ये भी शार्प बन जाता, एक ट्रायंगल की तरह, एक पहाड़ की तरह ये बन जाता। तो देखिए दोस्तों आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा बीवेल कार्विन कैसे क्रिएट की जाती है। बीवेल कार्विन की भी ज़रूरत बहुत जगह पर पढ़ते हैं, कभी कभी बीवेल कार्विन में भी लोग डिज़ाइन बना लेते हैं। अगर आपको ऐसे ऊपर ही डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप ऐसे इसको बना भी सकते हैं। ऐसे बनाने के बाद आप उसको वॉल पे भी लगा सकते हैं, आप कहाँ भी उसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों मैंने तो आपको बताया था कि ये देखो जहाँ जहाँ पर उसको हाइट मिल गई वहाँ पर कॉर्नर उसने शार्प कर दिया,
यहाँ पे मटेरियल हाइट नहीं मिली परफेक्टली, इसलिए कॉर्नर फ्लैट हो गया। जहाँ पे मटेरियल हाइट बराबर उसके हिसाब से बेवल के हिसाब से मिल गई, वहाँ पे बराबर शार्प कॉर्नर क्रिएट कर दिया। तो आई होप दोस्तों आपको बेवल कार्विन कैसे क्रिएट की जाती है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने इतने प्रोग्राम बनाए, बहुत कुछ बनाया, इसमें से मुझे कभी भी बेवल कार्विन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बेवल कार्विन कभी भी नहीं बनाया। मैंने बेवल कार्विन सिर्फ एक बार बनाया था कि मैंने जो ओम होता है ओम बेवल कार्विन में बनाया था मैंने, बस अभी तक मैंने, वो भी मेरा ट्रायल था। तो सिर्फ मैंने एक ही प्रोग्राम बेवल कार्विन में अभी तक बनाया है। रियल लाइफ में एक्चुअली बेवल कार्विन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेवल कार्विन सीखना भी ज़रूरत है। अगर कभी इमरजेंसी में पड़ गई ज़रूरत तो बेवल कार्विन आपको आना भी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को भी आर्ट काम के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए, आपके आर्ट काम में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधे मुझे मैसेज के नीचे, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर दूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।